स्वागत है आप सभी का R9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए आज बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कार्यवाही के दौरान सदन में हो सकती है चर्चा। बजट सत्र 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है, यानी कि आज से शुरू हो रहा है, जो कि 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों में 19 बैठकें होंगी। आम बजट और वित्त विधेयक को पारित करवाना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। साथ ही सरकार के एजेंडे पर बजटीय प्रस्तावों पर मंजूरी लेना और जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करना होगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। विपक्षी दल देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज संसद में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, आज बजट सत्र पेश किया जाएगा 2022-23 का बजट। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्यवाही के दौरान सदन में चर्चा हो सकती है। बजट सत्र 14 मार्च यानी कि आज से 8 अप्रैल तक चलेगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर आज पार्लियामेंट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी आज जम्मू कश्मीर के लिए। आज बजट में पेश होगी बात।